हाय गाइस, मैं हूं आलम और आप लोग देख रहे हैं आलम प्लम्बर टिप्स। आज मैं आपको पीवीसी का पाइप इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। उससे पहले इसको मैं तोड़ लेता हूं। ये पूरी दीवार को तोड़ना है ऊपर तक और उसमें होल करके ये पाइप हमको ऊपर ले जाना है पीवीसी का, क्योंकि इसमें एक लेटरिन का पानी का रहेगा, एक लेटरिन का दो पाइप रहेगा पीवीसी का, एक में वेस्टेड पानी आएगा और एक में टॉयलेट का रहेगा। इसको सीधा नीचे ले जाके हम इसको नाले में गिराएंगे, इसको ऊपर ले जाके दूसरे बाथरूम से कनेक्ट करेंगे होल करके। इसलिए इसको हम तोड़ रहे हैं। क्लाइंट का कहना है कि ये अंडरग्राउंड पाइप रहेगा, ओपनली लाइन नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग दीवार को तोड़ के इसको अंडरग्राउंड करके इसको ऊपर ले कर जाएँगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि इसमें पाइप हम लोग कैसे ऊपर तक लेके जाएंगे। आप भी अंडरग्राउंड पाइप रख सकते हैं कहीं पे भी, चाहे वो 4 इंची का वाल हो, चाहे वो 9 इंची का वाल हो, आप कहीं पे भी अंडरग्राउंड पाइप रख सकते हैं। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए देखने के लिए आप आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि हम इसको पाइप को कैसे ऊपर लेके जाते हैं और जिसका प्रोसेस क्या है आगे का, वो सब हम आपको दिखाते हैं। A to Z मतलब पूरी दीवार तोड़ को हम नीचे से ऊपर तक तोड़ के हम आपको दिखाएंगे। तो नीचे से हम लोगों ने तोड़ लिया, ऊपर का हिस्सा तोड़ना बाकी है। यही आपको हम दिखाना चाहते हैं कि इसको लास्ट तक कैसे तोड़ेंगे और फिर ऊपर होल करके पाइप कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको वाल तोड़ने को ही दिखाया जाएगा और दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें हम PVC का लाइन आपको पूरा नीचे से ऊपर इंस्टॉल करना सिखाएंगे कि कैसे ऊपर तक ये पाइप लाइनिंग हम लोग लेके जाएंगे। ये तोड़ने का मतलब, दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि बहुत से जगह पे ऐसा होता है कि बोले जाता है कि ये पाइप अंडरग्राउंड नहीं हो सकता है, ऊपर से ले जाना पड़ेगा या फिर बाथरूम घर के बाहर से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट लोग को उसको दिक्कत होता है। अगर बाहर से लेके जाएंगे तो कोई तोड़ फोड़ देता है तो उनको फिर चेंज कराना पड़ेगा, और अंदर से अगर लेके जाते हैं तो उनको स्पेस कम हो जाता है, इसमें बैठने में, उठने में, नहाने धोने में दिक्कत होती है। इसीलिए क्लाइंट का कहना है कि अंदर से लेके जाएं, इसको अंडरग्राउंड लेके जाएं। इसलिए हम लोग इसको वाल तोड़ लिए हूँ, उसको अंडरग्राउंड लेके जाएंगे। वीडियो दिखाने का मतलब सिर्फ यही है तोड़ने के लिए, कि अगर आप कोई भी पाइप हो, चाहे 4 इंची का वाल हो, चाहे 9 इंची का वाल हो, आप इसको अंडरग्राउंड ले जा सकते हैं एकदम आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक साइड में आपको तोड़ना है और उसी साइड से आपको होल करके नीचे भी नाले के पास पाइप ले जा सकते हैं और ऊपर भी ले जा सकते हैं, जैसा कि हमने किया। ये देखिए हमारा पूरा कटिंग का काम, मतलब चिपिंग का काम हो चुका है। जो ब्रोकिंग करना था हम लोगों ने पूरा वाल तोड़ लिया है। यहाँ पे हम आपको दूसरे दिखा रहे हैं। ये पहला जो इससे पहले हमने दिखाया वो दूसरे साइड का था, अभी ये दूसरे साइड का है। मतलब यहाँ पर जितने भी पाइप ऊपर तक जाएंगे, मतलब दूसरे बाथरूम तक, वो सारे पाइप हम लोग को दीवार के अंदर से ही लेके जाना है, मतलब अंडरग्राउंड करके लेके ही जाना है। ये पूरा हमने तोड़ लिया है, देखिए वहाँ पे कहीं पे कुछ बचा ही नहीं है। थोड़ा सा ऊपर होल करना है दो पाइप का, बस उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा और पाइप हम लगा सकते हैं। ये कम से कम 6 लाइन है हमारा, 6 लाइन पूरा तोड़ के वाल लेके जाना है। ये आप कुछ 5वां लाइन दिखा रहे हैं। अगर आप